दोस्तों, अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं इंडियन नेवी एमआर के लिए, तो हमने आप लोगों के लिए इंडियन नेवी एमआर स्पेशल जनरल अवेयरनेस तथा मैथमेटिक्स की ईबुक तैयार की है। अगर आप लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, जिसको क्लिक करते ही आप रिडायरेक्टेड इस वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे और यहां से आकर के ले सकते हैं। और दोस्तों, जितने भी क्वेश्चंस हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि पिछले साल भी पूछे गए हैं आपके एग्जाम्स में और इस बार भी पूछे जाएंगे, बहुत ही अच्छे से इसको तैयार किया गया है। आप एक बार जरूर चेक कीजिए और जरूर लीजिए। साथ ही साथ साइंस की भी ई बुक मिल जाएगी, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो उसे भी जाकर के आप जरूर से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं स्टडी विद अभिषेक। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। दोस्तों, मैं लेके आ गया हूं आप लोगों के लिए नौसेना भर्ती परीक्षा एमआर 2019 के लिए जीके रैपिड फायर क्वेश्चंस का पार्ट नंबर 24, यानी कि 24। इससे पहले 1 से 23 तक, 1 to 23 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जाओ देखो, प्लेलिस्ट में है। और पहली बार जो लोग कर रहे हैं उनके लिए तो कोई लिमिट नहीं है, वो अपना देख सकते हैं कि आपका स्कोर क्या होता है और बता सकते हैं ऑनेस्टली कि आपने इतना सही किया। और बाकी हम इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो लोग पहले से करते आ रहे हैं प्रिपरेशन मेरे थ्रू, वो लोग ज़रूर अपना कमेंट करके स्कोर बताना। आज के लिए 12 रखा है, 15 में 12 तो आप कर ही लोगे अगर आप तैयारी कर रहे हो अच्छे से और पढ़ाई कर रहे हो मन लगा करके तो, और साथ ही मुझे फॉलो कर रहे हो तो ये सब चीज़ें नॉर्मली आप कर सकते हो। साथ ही साथ जो लास्ट में मैं रिवाइज करवाता हूँ तो वो 2 मिनट करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपको क्या होगा, याद हो जाएगा वैसे ही क्वेश्चन, और ऐसे याद होगा कि कभी भी आप भूल नहीं पाओगे। अगर आप थोड़ा सा आपके दिमाग से निकल भी गया तो एक बार क्वेश्चन को देखोगे तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ यही आंसर होगा। तो इस तरीके से तो अभी वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले बोलना चाहूँगा, अगर आप चैनल पर नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नेवी एमआर की बेस्ट तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो। साथ ही साथ पीडीएफ इंपॉर्टेंट नोट्स और अपडेट के लिए आप हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर जरूर से ज्वाइन कर लेना, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और इंस्टाग्राम आईडी आपकी स्क्रीन पर है। शुरू करते हैं वीडियो को और चलते हैं रैपिड क्वेश्चंस की ओर। दोस्तों, आज का पहला सवाल यानी कि 331 नंबर है कि भारत के भूतपूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली का निधन कब हुआ था। When did the former finance minister of India अरुण जेटली pass away? 16 अगस्त 2019, 24 अगस्त 2019, 30 जुलाई 2019 और 6 अगस्त 2019। तो ये अभी हाल ही का हुआ है, 24 अगस्त 2019 को अरुण जेटली, जो कि वित्त मंत्री रह चुके हैं और काफ़ी समय से उनका तबीयत सही नहीं था, तो उनका निधन हो गया 24 अगस्त को। और उसके पहले भी एक विदेश मंत्री थी, उनका निधन हुआ था, तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि उनका नाम क्या था। बहुत ही इजी नाम है, तो आप लोग ज़रूर बता दोगे मुझे जहाँ तक उम्मीद है। तो ये याद रखना, 24 अगस्त को भूतपूर्व वित्त मंत्री भारत के अरुण जेटली का निधन हुआ था, ठीक है। चलिए दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। अरुण जेटली किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में देश के वित्त मंत्री रहे। अरुण जेटली वॉज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग विच प्राइम मिनिस्टर्स टेनियर। अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि नरेंद्र मोदी। अरुण जेटली जो थे वो नरेंद्र मोदी के प्रथम कार्यकाल, यानी कि ये नरेंद्र मोदी का सेकेंड चल रहा है, 2.0 भी बोल सकते हैं इसे। तो प्रथम जो कार्यकाल था 2014 से 19 के बीच वाला, ये जो था इसमें अरुण जेटली वित्त मंत्री थे और नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में वो प्रधानमंत्री थे। और अभी की बात की जाए तो अभी हमारी वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, जो कि इससे पहले रक्षा मंत्री रह चुकी हैं भारत की, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, किस संस्थान द्वारा समग्र जल प्रबंधन सूचकांक जारी किया जाता है। विच इंस्टीट्यूशन रिलीज दी ओवरऑल वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स। जल मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर, नीति आयोग, पर्यावरण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, जल शक्ति मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर पावर। दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि नीति आयोग। नीति आयोग द्वारा समग्र जल प्रबंधन सूचकांक जारी किया जाता है। नीति आयोग रिलीजेस दी ओवरऑल वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स। अच्छा, नीति आयोग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूँ। सबसे पहले तो अगर अध्यक्ष की बात की जाए तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन आपसे ये पूछना चाहूँगा मैं कि नीति आयोग के सचिव कौन है वर्तमान में। साथ ही साथ नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। एक चीज़ मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि नीति आयोग इससे पहले योजना आयोग था, उसको ट्रांसफॉर्मेशन करके जब नरेंद्र मोदी आए तो उन्होंने नीति आयोग नाम रख दिया उसको भंग करके योजना आयोग को, ठीक है। तो आपको बताना है कि इसकी स्थापना कब हुई, शुरुआत कब हुई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
चंद्रयान टू के लैंडर को क्या नाम दिया गया है? व्हाट इज द नेम गिवन टू चंद्रयान टूज लैंडर? आदित्य, अपोलो, विक्रम और विराट। राइट आंसर ऑप्शन सी यानी कि विक्रम। चंद्रयान टू के लैंडर को नाम दिया गया है विक्रम, ठीक है। और रोवर को क्या नाम दिया गया है ये आप लोग कमेंट करके बताना, क्योंकि मैं पूरा एक वीडियो बना के बता चुका हूं चंद्रयान टू के बारे में, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रयान टू की सफलता से चंद्रमा पर सफल लैंडिंग करने वाला देश विश्व का चौथा कौन होगा? हु विल बी द फोर्थ इन द वर्ल्ड टू सक्सेसफुली लैंड ऑन द मून विद द सक्सेस ऑफ चंद्रयान टू? रूस, रसिया, अमेरिका, भारत और चाइना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि भारत यानी इंडिया। इंडिया चौथा देश बन जाएगा जो कि सफल लैंडिंग करेगा चंद्रमा पर चंद्रयान टू का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के वायुमंडल की ऑक्सीजन में अमेजन वर्षा वन की कितनी साझेदारी है? हाउ मच डज द अमेजन रेन फॉरेस्ट शेयर इन द ऑक्सीजन ऑफ द अर्थ एटमोसफेयर? 54%, 20%, 42% और 12%। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 20% है। जो अमेजन वर्षा वन है यानी अमेजन रेन फॉरेस्ट है, ये पूरी पृथ्वी पर जो ऑक्सीजन है उसका 20% प्रोवाइड करता है, यानी हमारे सांस लेने में इसका बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन एक बुरी खबर है आप लोगों के लिए, क्या कि ये अभी बहुत टाइम से यानी 2-3 महीनों से जलते आ रहा है, लगातार जल रहा है, और ये बहुत ही चिंता का सबब है। कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है इस पर, लेकिन ध्यान देना बेहद आवश्यक है, वरना एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि हम लोग सांस भी नहीं ले पाएंगे अच्छे से, क्योंकि 20% प्रोवाइड करता है, रेस्ट 80% तो बाकी जहाँ से भी आता हो, लेकिन अगर पूरी पृथ्वी का 20% ऑक्सीजन कुछ प्रोवाइड करता है तो उसका महत्व समझना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है, और जितनी जल्दी हम इसके प्रति सजग हो जाएं, समझदार हो जाएं, वो बेहद ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विमान सबसे ज़्यादा मात्रा में पानी ले जा सकता है? विच एयरक्राफ्ट कैन कैरी द हाइएस्ट क्वान्टिटी ऑफ वाटर? ऑप्शंस हैं फ्लैक्सीटो F5, बोइंग 747, सुपर टैंकर, बोइंग मॉडल 5 और फोकेर यूनिवर्सल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि बोइंग 747 सुपर टैंकर जो है वो सबसे अधिक मात्रा में पानी ले जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की कितनी पर्वत चोटियों पर साहसिक पर्यटन के लिए मंजूरी दी गई है? हाउ मेनी माउंटेन पीक्स इन इंडिया हैव बीन अप्रूव्ड फॉर एडवेंचर टूरिज्म? 52, 137, 15 और 6। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 137। 137 ऐसी पर्वत चोटियां हैं भारत की जिसके लिए साहसिक पर्यटन को मंजूरी दी गई है, यानी कि ये अप्रूव की गई हैं किसी के लिए, एडवेंचर टूरिज्म के लिए, एडवेंचरस टूरिज्म के लिए 137 पिक्स को दिया गया है अप्रूवल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्थित वह कौन सी पर्वत चोटी है जो यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है? व्हाट इज द माउंटेन पीक इन इंडिया विच इज इंक्लूडेड इन द यूनेस्को वर्ल्ड्स हेरिटेज साइट? कंचनजंगा, दक्षिण कंचनजंगा, साउथ नंदा देवी, नंगा पर्वत, नंगा माउंटेन और K2। राइट आंसर ऑप्शन ए यानी कि कंचनजंगा। ये यूनेस्को की विश्व धरोहरों में शामिल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, INX मीडिया भ्रष्टाचार मामले में किस भूतपूर्व वित्त मंत्री को आरोपी पाया गया है? विच फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर हैज बीन फाउंड गिल्टी इन द INX मीडिया करप्शन केस? अरुण जेटली, पी चिदंबरम, निर्मला सीतारमण और प्रणब मुखर्जी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि पी चिदंबरम। पी चिदंबरम को INX मीडिया भ्रष्टाचार मामले में दोषी पाया गया है और उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, जैसा कि अभी आप लोगों ने न्यूज़ में भी देखा होगा। इसलिए मैं बोलता रहता हूं हमेशा कि आप लोगों को करंट अफेयर्स तो मजबूत करना है तो आप न्यूज़ देखा करो, ज़्यादातर क्वेश्चन तो वैसे ही होते हैं न्यूज़ में, ठीक है। तो ये देखना भी बेहद इंपॉर्टेंट है। अभी हाल फिलहाल में ही CBI ने उन्हें अरेस्ट किया है, ठीक है, पी चिदम्बरम को। ये अगर बात की जाए तो ये UPA के शासनकाल में थे भारत के वित्त मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी चिदम्बरम किस सरकार के कार्यकाल में भारत के वित्त मंत्री रहे? ये सवाल आ ही गया। पी चिदम्बरम वॉज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग विच गवर्नमेंट? NDA सरकार, NDA गवर्नमेंट, मिलीजुली सरकार, मिक्स्ड गवर्नमेंट, UPA सरकार एंड तृणमूल सरकार, TMC गवर्नमेंट। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा UPA गवर्नमेंट यानी कि UPA सरकार, ऑप्शन सी। UPA सरकार में अगर बात की जाए तो कांग्रेस मुख्य घटक दल है, कांग्रेस मुख्य दल होता है इसमें UPA में, और NDA की बात की जाए तो इसमें BJP मुख्य दल होता है और बाकी इनका अलायंस होता है, ठीक है। तो NDA UPA यही है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक रिपोर्ट के अनुसार आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? व्हाट इज दी फैक्टर अफेक्टिंग इकोनॉमिक ग्रोथ अकॉर्डिंग टू दी वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट? बढ़ती जनसंख्या, ग्रोविंग पॉपुलेशन, जल प्रदूषण वाटर पोल्यूशन, महंगाई, इन्फ्लेशन और निरक्षरता यानी इलिटरेसी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी जल प्रदूषण वाटर पोल्यूशन जो है, वाटर पोल्यूशन इज द फैक्टर अफेक्टिंग इकोनॉमिक ग्रोथ अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट। वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट के अनुसार जल प्रदूषण जो है वो बहुत बड़ा फैक्टर है किस चीज में, आर्थिक विकास को प्रभावित करने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार पानी की खराब गुणवत्ता का मुख्य कारण क्या है? व्हाट इज द मेन रीजन फॉर पुअर वाटर क्वालिटी एज पर द वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट? फैक्ट्रियां द्वारा निष्कासित रसायन, केमिकल एक्सपेल्ड बाय फैक्ट्रीज, नाइट्रोजन, मत्स्य पालन, फिशिंग और नमक यानी कि सॉल्ट। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी नाइट्रोजन। नाइट्रोजन सबसे बड़ा कारक है ये जो गुणवत्ता में, जो जल के गुणवत्ता का खराब होना ये इसी के वजह से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के चेयरपर्सन को कौन नियुक्त करता है? हु अपॉइंट्स द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल मोनूमेंट्स अथॉरिटी? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्य न्यायाधीश? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और चीफ जस्टिस। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि राष्ट्रपति। प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल मोनूमेंट्स अथॉरिटी। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के चेयरपर्सन को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। और नेक्स्ट है, तोमर राजपूतों द्वारा बनवाया गया किला राजपिथौरा कहाँ है? वेयर इज किला राजपिथौरा बिल्ट बाई तोमर राजपूत? ग्वालियर, आगरा, नई दिल्ली और अगरतला। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ग्वालियर में। तोमर राजपूतों द्वारा बनवाया गया किला राजपिथौरा ग्वालियर में स्थित है। दोस्तों ये थे आपके 15 क्वेश्चन, अभी इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाक से। तो 331 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग पढ़ते जाइएगा। 332 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट 334 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है चंद्रयान 2, नेक्स्ट इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट 337 नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारा 338 नंबर, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट 339 नंबर, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 340 नंबर, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 341 नंबर, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 342 नंबर, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारा 343 नंबर, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारा 344 नंबर और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारा 345 नंबर और लास्ट राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि ग्वालियर। दोस्तों ये 15 क्वेश्चन थे आज के हमारे, आई होप कि आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल पर नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। और हाँ, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम की आईडी आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी जाओ और ज्वाइन करो। दोनों का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, जैसे भी आपको कंफर्टेबल फील हो वैसे जा करके ज्वाइन कर लो। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ एक और वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखो। धन्यवाद, जय हिंद।